बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और बहुत वेल टू डू फैमिली है। बहुत कोई ऐसा मतलब हैंड टू माउथ नहीं है, अच्छी एजुकेशन भी मिली है, पॉलिटिशियन का लड़का है तो एस्पायरिंग है और हैंडल करता है सब कुछ, घर चलाता है, स्टेट चलाने में भी हेल्प करता है। तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सीड्स हैं उसमें, लेकिन जर्नी है एक उस लड़के की, फादर की, उसके भाई की, टू फिगर आउट की, टू फाइंड द डीमंस इनसाइड देमसेल्व्स, एंड फिर वो रिलेशंस की पूरी कहानी है, रिलेशनशिप्स की, ड्रामा ही ड्रामा है, मतलब हर जगह से। कितना मजा आया सनी बाबू के साथ काम करके, बहुत मजा आया। हम दिस इज लेजेंड एंड एंड टू बी एबल टू वर्क विद देम वाज अ ग्रेट ऑनर। आई एम वेरी थैंकफुल टू बाबा फॉर ऑफरिंग दिस फिल्म। व्हाट एल्स, या मजा आया, मतलब सेट पे ऐसे कोई वो टेंशन नहीं था क्योंकि फिल्म इतनी, मतलब टेंशन फिल्म में ज्यादा टेंशन है, सो वी नीड दैट। या जिस तरीके का किरदार आपने मिर्जापुर में निभाया था, क्या आप उसी से सिमिलर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिर्जापुर में तो अंडरडॉग्स की कहानी है, पैसे वैसे कहाँ हैं, जेब में साइकिल चलाते हैं वो लोग यहाँ पे तो मतलब नहीं, ऐसा लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग किरदार है कि हाँ मतलब है, या ऑफ कोर्स की यू नो किरदार है और का उसकी पूरी जर्नी इसमें आपको देखने को मिलेगी, तो उसकी अपनी अलग एक जस्टिफिकेशन है और एक अलग कहानी है। एंटी हीरो है फिल्म का, ये संजय दत्त का बेटा है, छोटा बेटा, एंड वो अपने बाप की गद्दी में बैठना चाहता है, और उसी की जंग है, उसी की लड़ाई है, बिटवीन माय एंड अलीज कैरेक्टर। अली मेरा बड़ा भाई बना है इसमें, एंड हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। फिल्म को शूट करने का एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इस किरदार में जमे रहने का जो प्रोसेस था वो बहुत ट्रोमेटिक था मेरे लिए, बिकॉज क्वाइट अ इनसेन कैरेक्टर ही इज़। इट वॉज अ डिलाइट, इट वॉज अ प्योर डिलाइट। यू नो जब आप ऐसे स्टॉलवर्ट्स के साथ काम करते हैं, आपका काम बेहतर हो जाता है, आपके सीन्स बेहतर होते हैं, उनके जो सजेशंस आते हैं छोटे मोटे बीच बीच में, जो इतने प्यार से वो आपको छोटे छोटे सुझाव दे देते हैं। देर आर मैनी मोमेंट्स एवरी डे, बिकॉज इट्स इट्स अबाउट दिस फैमिली, दिस पॉलिटिकल फैमिली वेर देर इज़ इंटरेक्शन हैपनिंग एवरी डे। सो देर वॉज दिस वन पर्टिकुलर सीन विच वॉज गोइंग रियली अमेजिंग बिटवीन मी एंड संजू सर, बट ही जस्ट सेड सत्या डू दिस वन थिंग एंड दिस माइट जस्ट टेक द सीन टू यू नो जस्ट ट्राई दिस आउट, एंड आई डिड दैट, एंड जो सीन ऐसे अच्छा जा रहा था बिल्कुल ऐसे उड़ने लगा, एंड पीपल क्लैप्ड आफ्टर दैट, एंड वी गॉट इट इन वन टेक। सो दैट वॉज क्वाइट समथिंग कि वो 40-50 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे आता है, एंड अगर इफ समवन लाइक संजय दत्त इज गाइडिंग यू देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग।